बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है आज इस के इस वीडियो के माध्यम से हम कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर हम टेन सेट्स ऑफ कॉमन एरर्स को सोल्व करेंगे आप वीडियो को पॉज कर करके साथ में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर यू नीड टू फिगर आउट के एरर कहाँ पर है एंड यूनीट टू रेक्टिफाई द एर आई नो दैट दीज फर्नीचर्स आर फॉर सेल यहाँ पर वी नीड टू रिमेंबर दैट फर्नीचर जो है दैट विल दैट इज़ नॉट करेक्ट और क्योंकि फर्नीचर को हम लोग सिर्फ फर्नीचर लिखते हैं इसका फ्लूडल फॉर्म नहीं लिखते हैं सो so फर्नीचर आ जाएगा और उसी के साथ ही वर्ब में भी बदलाव आएगा सो आई नो दैट दिस फर्नीचर इज़ फॉर सेल सो आई नो दैट दिस फर्नीचर इज़ फॉर सेल सो रादर दैन राइटिंग डाउन फर्नीचर हम लोग फर्नीचर लिखेंगे एंड ऑफकोर्स द वर्ब विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली A 7 years old child won the first prize. Here, a six-year-old child, a seven-year-old child, an eight-year-old child, so year years So, a seven-year-old child won the first prize. So, seven-year-old child. Ears are You will be surprised to see that that his hairs are black. हेयर का भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे सो हिज हेयर और अकॉर्डिंगली वर्ब में भी बदलाव आ जाएगा दैट हिज हेयर इज ब्लैक दैट विल बी द करेक्ट यूसेज हेयर All his son-in-laws are very intelligent. So आर है that means प्लूरल है so all his sons-in-law, sons-in-laws. आर वेरी इंटेलिजेंट सो यहाँ पर सन्स इन लॉ होगा कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है वो रूल्स यहाँ पर ऑपरेट होंगे वॉट आर द न्यूज़ न्यूज़ जो है इवन दो ये लगता है कि प्लूरल है बट इट इज़ एक्चुअली सिंगुलर सो अकॉर्डिंगली वर्ब नीड्स टू बी चेंज्ड इन टू सिंगुलर वॉट इज़ द न्यूज़ वॉट इज़ द न्यूज़ ये सही उत्तर हो जाता है वॉट इज़ द न्यूज़ My trouser is new and clean. Kuch nouns pronouns? We're going to be using them as plurals only. So, my trousers are new and clean. Where are my spectacles? Where are my spectacles? So spectacles हो गए scissors हो गया trousers हो गए ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम plural form में ही करते हैं और इसीलिए verb भी जो है वो plural form में ही प्रयोग किया जाना चाहिए So my trousers are clean and are new and clean. So trousers और यहाँ पर are that will be the correct usage. the sister of mohan is very good at cooking mohan's sister yahapar we're going to be using mohan's sister is very good at

The sceneries of Shimla are very charming. Scenery जो है इसका plural form नहीं होता है so उसको scenery लिखेंगे The scenery of Shimla is very charming. So हम लोग इसे singular में ही प्रयोग करते हैं और इसीलिए singular verb भी So the scenery of Shimla is very charming. That will become the correct answer. विश्वनाथ गेव में अ फाइव रूपीज नोट विश्वनाथ गेव में अ फाइव रूपी नोट विश्वनाथ गेव में अ फाइव रूपी नोट क्योंकि रूपीज़ दैट विल बी इनकरेक्ट फाइव रूपी नोट यहाँ पर हम लोगों ने दस कॉमन एरर्स नाउन से रिलेटेड कवर किए अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में आप उसे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं हम मुझसे इंस्टाग्राम पर नीचा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं